बुगल बॉलीवुड देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर, और ये लेटेस्ट अपडेट जुड़ी है बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर जोड़ीज में से एक, यानी कि दीपिका और रणबीर कपूर की जोड़ी के साथ। ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और जब भी ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर आई है बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो रिसेंटली ऐसी खबरें आ रही थी कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आने वाली है लव रंजन की मूवी में, जिसमें हमें अजय देवगन भी नजर आएंगे। वेल, अगर हम बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को सबसे पहले दीपिका पादुकोण ने छोड़ दिया था इस बात का हवाला देते हुए कि लव रंजन पर हैशटैग मीटू के चलते कोई केस दर्ज है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर का ये मानना था कि उनका रोल इस फिल्म में बहुत छोटा है, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। वहीं रिसेंटली अजय देवगन ने भी कंफर्म किया कि ये वो फिल्म नहीं करने वाले हैं क्योंकि उनके पास डेट्स का इशू है। साथ ही साथ लव रंजन ने भी अपडेट दी कि वो फिल्म ये वाली नहीं करने वाले। बट एक बार फिर से लव रंजन ने अनाउंसमेंट की है कि वो फिल्म बनाने वाले हैं दीपिका और रणबीर को लेकर, यानी कि दीपिका और रणबीर कपूर की जोड़ी हमें लव रंजन की फिल्म में नजर आने वाली है। अब ये तो नहीं पता कि दीपिका पादुकोण ने अब दोबारा लव रंजन की फिल्म के लिए हां कैसे बोल दिया है, क्योंकि पहले तो उनका कहना था कि हैशटैग मीटू के जो आरोप हैं लव रंजन पर लगे हुए हैं जिसके चलते वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि लव रंजन की फिल्म के लिए उन्होंने हां कर दिया है और लव रंजन की फिल्म में दीपिका और रणबीर की जोड़ी हमें नजर आने वाली है। अब देखना यह होगा कि लव रंजन की इस फिल्म का क्या नाम होगा और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी और कब इस फिल्म का काम स्टार्ट होगा। वेल, अगर हम बात करें इस फिल्म की, तो ये जरूर पता चला है इस फिल्म के बारे में कि ये रोम कॉम होने वाली है, यानी इसमें हमें रोमांस और कॉमेडी दोनों नजर आने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि दीपिका और रणबीर की जोड़ी इस बार कितना रिकॉर्ड तोड़ती है बॉक्स ऑफिस पर, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा बूगल बॉलीवुड।